नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं दुनिया का मशहूर रेस्टोरेंट मोती महल, अब आपके शहर आजमगढ़ में, सेंट्रल बैंक के नीचे पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़, रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स प्रथम तल, जालांस मेगा शॉपिंग मॉल आजमगढ़ और वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय ने केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी पर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जहां तड़ी पार बताया, वह महंगाई को भाजपा की बुआ। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अखिलेश यादव पर की गई टिप्पणी के जवाब में डॉक्टर अभिषेक राय ने केंद्रीय मंत्री को तड़ी पार बताते हुए भाजपा को जुमला पार्टी और महंगाई को भाजपा की बुआ बताया। कहा कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई पर कोई जवाब नहीं देती है, पहले महंगाई डायन थी और भाजपा के राज में भाजपा की बुआ बन बैठी है। कहा कि आज सरसों का तेल 263 रुपए लीटर बिक रहा है और अयोध्या में दिए जलाए जा रहे हैं। यही तेल अगर गरीबों को दे दिया जाता तो राम राज आ जाता। पर हमला बोलते हुए सपा प्रवक्ता ने कहा कि जिन्हें रामायण की समझ नहीं वो राम राज की बात कर रहे हैं। देखे अमित शाह जी खुद तड़ी पार रहे हैं, वो इस तरह की कैसी बातें करते हैं मेरे समझ में नहीं आता। झूठ जेफ और झूठ है और जुमले की सरकार है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में उसमें एक और शब्द ऐड कर रहा हूँ, जुमला। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक चीज बताई, एरोगेंस। इनके अंदर अहंकार है, एरोगेंस है, ये देखने को मिलता है। महंगाई पे ये सरकार बात नहीं करती। 2014 में महंगाई डायन होती थी, आज क्या है? आज भारतीय जनता पार्टी की बुआ बन के बैठी हुई है, तो इस पे ये बात नहीं करेंगे। 265 रुपए सरसों का तेल हो गया, अयोध्या में दिए जला रहे हो। अरे साहब, गरीब जनता को तेल दे देते राम राज आ जाता। अब माननीय गृह मंत्री जी का आप देखो, रामायण की बात उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भरत जी को युद्ध में ले आ दिया, रावण के कुशासन को योगी जी के कुशासन से कंपेयर कर दिया। क्या सबको नहीं पता कि क्या भरत जी युद्ध में गए थे? तो जिसके वो रामायण का ही पाठ नहीं पता वो राम राज लाने की क्या बात करेगा। जनपद आजमगढ़ के जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के अजमतगढ़ बाजार में युवती की मांग में सिंदूर भरने का मामला प्रकाश में आया है। मऊ जिले के घोसी के रहने वाली युवती ने आजमगढ़ के जैनपुर के नरहनखास गांव के युवक पर मांग में सिंदूर भरने का आरोप लगाया। इस मामले की शिकायत जैनपुर कोतवाली में की गई, जहां आरोपी युवक को हिरासत में लिया गया। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। आजमगढ़ जिले में युवक द्वारा युवती की मांग में सिंदूर लगाए जाने को लेकर बताया कि उसके घर के पास ही वो अपने ननिहाल मऊ जिले में आता जाता था, जहां दोनों एक दूसरे से बात करते थे। विगत 5 वर्ष से उनका संबंध हो गया। युवती ने बताया कि अजमतगढ़ बाजार में बुलाकर सिंदूर डाला और मारपीट कर धमकी दिया कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, उसके बाद फरार हो गया। युवकदार द्वारा युवती पर स्वयं अपनी मांग में सिंदूर लगाए जाने की भी बात बताई जा रही है। इस मामले में शिकायत पर दोनों पक्षों को जैनपुर कोतवाली में बुलाया गया था। अजमतगढ़ बाजार में लेके आयल, वहाँ शादी कैला, हम जनी बाजार उजार कर आवत हँ, फिर शादी कैन, फिर मांग में सिंदूर पहरा के मारपीट के भागत रहन। तो उनकर आदमी सब पकड़ना उकड़ना, तो कहना ही हमारे पहचान कहाँ, हम इनके ना मार करिए, और कल हम तो से शादी ना कर जा। तोहार और उनका दोनों की मुलाकात कैसे भेल रहे? तू अपने रिश्तेदारी आए ला ना, रिश्तेदारी से नंबर दिया ना, बात कहना, आवे जा बुलावे सब कुछ करें, फिर फोन करके बोला ना बाजारी में हम जाने की नहीं। लेकिन आपका और तोहार और उनका दोनों की संबंध दोनों की कितना संबंध से रहे? 5 साल से। और हमके अड़कावत रहना कि जन उखारे के रहे तो उखा लिया, जन उखारे के रहे तो उखा लिया, और हम तो शादी करब, फिर बाद में कहना सिंदूर पहरा के हम तो शादी ना करब, बाजार में बोला के लिया के न। उनका कुछ रहे? हाँ, उनके मम्मी का मौसियान है, मौसियान है, और उनका ननियाऊ रहे। तो वहाँ पर हुआ में तो से मिले? हाँ, हमारे संगे मिलत रहना, हाँ, बातचीत सब कुछ करते रहना। तो और संगे पूरा उनकर संबंध भी है? हाँ, पूरा संबंध। तो
तो से मतलब काहे ना कहना कि हम तो से बियाह ना करब काहे काहे तर कहना सिंदूर पहरा के कहना ना कि हम तो से शादी ना कर ई काहे पहले कहना अरे फिर कहता ना कि करब करब फिर सिंदूर पहरा के कहना कि हम तो शादी ना कर तोर जिंदगी बर्बाद करते जो अनुखारे के रहते अनुखा लिए तो तू जो ना कि अपने घर से उनके घर गए लालू उनके गांव में हाँ अजमतगढ़ बाजार में गए लालू गांव में का बच्चे को थी कि ससुर ससुर से कौन सस सस ससुर थाना पे तो फिर का भेल वहां जब तू गेलू वहां मत थाना पे सस ससुर पहुंचाओ ना हां और कहना कि जा घरे हां हमारे लड़का का ना गलती है इस मामले में पुलिस अधीक्षक का कहना है कि उसकी शिकायत थाने पर प्राप्त हुई दोनों पक्षों को बुलाया गया मामले में जांच की जा रही है अभी तक पीड़िता की तरफ से थाने में लिखित तहरीर नहीं दी गई बताया कि युवती के भाई जो मुंबई में रहता है उनके द्वारा थाने पर पहुंचने पर शिकायत के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी वहीं आरोपी युवक को हिरासत में लिया गया जिसे पूछताछ कर जांच की जा रही है जो प्रकरण आप बता रहे हैं इस तरह की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी इस सूचना पर दोनों पक्षों को थाने में बुलाया गया था बहुत से तथ्य इसमें निकल गए हैं जिनके ऊपर पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है अभी तक लड़की पक्ष की तरफ से पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है लड़की के एक भाई है जो बाहर रहते हैं जिनके द्वारा कहा गया है कि वो मुंबई से आ रहे हैं और जब थाने में पहुँचेंगे तो उसके बाद वो तहरीर देंगे तहरीर अगर पुलिस को दी जाती है तो हम तत्काल एफ आई आर पंजीकृत करेंगे और जो लड़का है उसको भी हिरासत में लिया गया है उससे पूछताछ की जा रही है जो भी विधिक कार्रवाई आगे की होगी पुलिस द्वारा की जाएगी सर उसमें क्या मामला अभी निकल के आ रहा है जैसे शिकायत ये डिटेल्स मैं आपको नहीं दे पाऊंगा ये जांच का विषय है और जो भी लड़की पक्ष की तरफ से हमें तहरीर दी जाएगी उसके ऊपर पुलिस विधिक कार्रवाई करेगी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को 2022 में मुख्यमंत्री बनाकर प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे जुल्म व जाति का खात्मा किया जाएगा उक्त बातें समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव एवं आजमगढ़ मंडल महिला सभा के नव नियुक्त प्रभारी सुनीता सिंह ने नेहरू हॉल में आयोजित स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए कहा उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं अपराध चरम सीमा पर है सरकार के संरक्षण में हत्या लूट बलात्कार जैसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछली अखिलेश यादव की सरकार में जो विकास कार्य शुरू किए गए उन्हीं का नाम बदलने और उद्घाटन करने का काम करी योगी सरकार कर रही है प्रदेश की भाजपा सरकार ने जन कल्याण और विकास का एक भी काम नहीं किया प्रदेश सचिव श्रीमती सिंह ने कहा कि महंगाई से आम आदमी का जीवन दूभर हो गया है और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं पर पड़ा है उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एवं महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए आजमगढ़ मंडल की सभी सीटें आजमगढ़ की झोली में डालना है स्वागत समारोह की अध्यक्षता सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव व संचालक हरिप्रसाद दुबे ने किया महनाजपुर देवगांव लालगंज बिंद्रा बाजार मोहम्मदपुर रानी की सराय होते हुए राष्ट्रीय सचिव श्रीमती सिंह का काफिला जिला मुख्यालय पर पहुंचा पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार असंतुलित हो गई है और एक पर एक झूठ का पुलिंदा लेकर आ रही है उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के नाम पर केवल धोखा ही दिया जा रहा है आजमगढ़ में विश्वविद्यालय 2022 में अखिलेश यादव की सरकार आने पर मूर्त रूप लेगा स्वागत करने वालों में मुख्य रूप से पूर्व सांसद नंद किशोर यादव विधायक कल्पनाथ पासवान नफीस अहमद एमएलसी राकेश कुमार यादव रमाकांत यादव पूर्व मंत्री चंद्रदेव यादव पूर्व विधायक विजय सरोज ब्रिजलाल सोनकर पूर्व एमएलसी कमला प्रसाद यादव पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव जयराम सिंह पटेल राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ अभिषेक राय आईपी सिंह हाजी स्टार आदि उपस्थित थे मैं अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देती हूं अखिलेश यादव जी को आप देख रहे हैं कि आज चारों तरफ माहौल जनता के बीच में परिवर्तन की एक लहर चल रही है समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम से आज पूरी जनता मूड बना चुकी है परिवर्तन की 2022 में जनता को पता चल गया है कि भाजपा सरकार न महिलाओं का न नौजवानों का न किसानों का किसी का कोई भला नहीं कर रही है आए दिन अत्याचार शोषण बलात्कार महिलाओं का हनन भाजपा सरकार में बढ़ा है इसलिए पूरी लहर के साथ
हमारी पार्टी, हमारी महिलाएं, हमारे नौजवान सड़क पर उतर चुके हैं। भाजपा बिल्कुल डरी हुई है। भाजपा को माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इतना ज़्यादा डर हो गया है कि पूर्वांचल स्पेस आज बंद कर दिया गया है। आज कितना भी रोड बंद कर लें, कितना भी चप्पा कर लें, जब जनता की आवाज़ जनता सड़क पर आएगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो 2022 में हम लोगों का मंशा है, पूरी महिलाएं, पूरे हमारे समाज के लोग, आज जो कहते हैं लोग मेरे समाज के लोग, महिलाएं आई हैं, ब्राह्मण आई हैं, राय आए हैं, क्षत्रिय आए हैं, विश्वकर्मा आई हैं, मौर्य आई हैं, हरिजन आई हैं, मैं सारे समाज से अपील भी करती हूं और मेरे साथ समाज है समाजवादी पार्टी के। श्री रानी सती श्याम भक्त मंडल द्वारा श्री खाटू श्याम प्रभु का जन्मोत्सव अराजी बाग स्थित वैष्णो कॉलोनी में बड़े धूमधाम से मनाया गया। जन्मोत्सव का शुभारंभ पारितोष रुंगटा व पारुल रुंगटा द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। दिल्ली से आए कलाकारों ने खाटू श्याम प्रभु की नैनाभिराम झांकी सजाई। इस अवसर पर गोरखपुर से आई अनीता सुल्थालिया ने खाटू श्याम प्रभु के एक से एक भजन प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके भजनों ने भक्तों को नाचने पर विवश कर दिया। सरकार के जन्मदिन पर जहां बाबा को 56 भोग लगाया गया, वहीं केक काटकर बाबा का जन्मोत्सव श्रद्धालुओं ने बड़े ही उत्साह पूर्वक मनाया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष शोभित अडूकिया, अभिषेक खंडेलिया, सौरभ डालमिया, अंशु गोयल, विवेक सिंह, भोला जालान, विवेक सिंह, डॉक्टर महात्म दुबे, डॉक्टर भक्त वत्सल, अमित जायसवाल, सोनी अग्रवाल, बाबलू अग्रवाल, संतोष शुक्ला, दीपक अडूकिया, पवन खंडेलिया आदि सहित बड़ी संख्या में महिलाएं व बच्चे उपस्थित हैं। सगरी तहसील के महात्मा असऊ बाबा केकेपी ऑफ एजुकेशन टेकन गाड़ा में 5 दिवसीय स्काउट गाइड परिचयात्मक शिविर 12 नवंबर से आयोजित किया गया। इस शिविर का उद्घाटन संस्थान के प्रबंधक सदा वृक्ष पांडे द्वारा किया गया। प्रशिक्षुओं को विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से समाज एवं राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत किया गया। प्रथम दिवस स्काउट गाइड का परिचय इतिहास टोली के विषय में जानकारी दी गई। दूसरे दिन वर्दी की जानकारी, ध्वज की जानकारी दी गई और तृतीय दिवस शिविर निर्माण, भोजन निर्माण, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं वट वृक्ष रोपण का कार्य किया गया। इस अवसर पर जिला सचिव स्काउट गाइड प्रवीण कुमार श्रीवास्तव एवं जिला आयुक्त स्काउट डॉक्टर अजीत कुमार सिंह द्वारा शिविर का निरीक्षण एवं वृक्षारोपण का कार्य किया गया। विद्यालय में स्काउट गाइड का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा था, साथ में वृक्षारोपण का कार्यक्रम, बच्चों की टोली बनाना, उनको समाज सेवा से कैसे जुड़ कर उनका समाज का सहयोग कैसे करना है, इस कोरोना काल में लोगों के की सुरक्षा की व्यवस्था कैसे संभालनी है, उनको क्या हमको सहयोग करना है, क्या सुझाव देना है, इस परिप्रेक्ष्य में उनको बताया गया और देश सेवा के लिए उनको तत्पर रहने के लिए, समाज का सहयोग करने के लिए उनमें एक भावना भरी गई। अच्छा सर, बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चों को संदेश देना चाहते हैं कि अपने अनुशासन में रहते हुए अपने से बड़ों का सम्मान करें, जो गरीब हैं, असहाय व्यक्ति हैं, उनकी सहायता करें, समाज में अच्छे कार्यों के लिए लोगों को प्रेरित करें और छोटे बच्चों का मार्गदर्शन और उत्साह वर्धन करें। जो स्काउट के बच्चे हैं, अपने क्रियाकलाप जो करते हैं स्काउट से संबंधित, उसी का निरीक्षण किया जाता है। जनपद के सभी विद्यालयों में
स्काउट का कार्यक्रम जिसमें सुरक्षा सेवा कर भावना सबको समझाई जाती है और यह देश के लिए एक सम्मानित नागरिक बनते हैं, जो देश के विकास में योगदान करते हैं। यही बच्चों को शिक्षा दी जाती है, इनको साहचर्य और सेवा की भावना के लिए प्रेरित किया जाता है। अच्छा सर, और बच्चों को स्काउट के बच्चों को और क्या संदेश देना चाहते हैं? स्काउट के बच्चे साहचर्य प्रेम और इस कोरोना काल में पूरे देश की सेवा करें, अपने समाज के इधर उधर कोरोना से बचाव के जो नियम हैं उनको बताएं। कोरोना इस समय महामारी के रूप में हमारे देश में फैली हुई है, उससे बचाव करना अति आवश्यक है, इसलिए उसके लिए प्रयास करें और सेवा सहयोग की भावना। आजमगढ़ के जहानगंज क्षेत्र के धनहुआ स्थित एसकेडी विद्या मंदिर के प्रांगण में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मोत्सव को बाल दिवस के रूप में काफी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर छात्रों के व्यक्तित्व विकास को समर्पित एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें देश के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर राजन अरोरा ने बच्चों को अनेक ऐसी उपयोगी बातों से परिचित कराया जो उनके भविष्य निर्माण में काफी अहम भूमिका निभा सकती है। कार्यक्रम का शुभारंभ चाचा नेहरू और वाग देवी माँ सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण से हुआ। चाचा नेहरू के जीवन, व्यक्तित्व व योगदान पर प्रकाश डालने के उपरांत छात्र छात्राओं में मुखरित होते हुए श्री अरोड़ा ने कहा कि बच्चों तुम वही बनाना जो तुम्हारे बनने का जी करता है। कभी ये मत सोचा करो कि लोग क्या कहते हैं, असफल वही होता है जो असफलता के बाद सफल होने की कोशिश नहीं करता। एक बॉक्सर को हारा हुआ तभी माना जाता है जब वो गिरकर फिर से नहीं उठता है। एक असफल व्यक्ति को लोग असफल तभी कहते हैं जब तक वो सफल नहीं है। श्री अरोड़ा ने बच्चों को मनोविज्ञान और कैरियर से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का भी उत्तर दिया। एसकेडी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के सरन ने कहा कि आज के छात्र ऐसे युग में जी रहे हैं जहां उनके अभिभावक इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि जिसकी जैसी रुचि हो उन्हें वैसे ही क्षेत्र में भविष्य संवारने का मौका मिलना चाहिए। ये एक सौभाग्य की बात है कि दूसरे की इच्छा से अब जीने की राह नहीं चुननी चाहिए। एसकेडी विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य रामजी चौहान ने भी छात्रों को विभिन्न उपयोगी बातों से अवगत कराया। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आजमगढ़ में राजनीतिक पारा चरम पर है। शनिवार के दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर महाराजा सुहेलदेव के नाम पर रखने का ऐलान कर और आजमगढ़ का नाम आर्यमगढ़ करने का संकेत देकर पूर्वांचल में राजनीतिक बढ़त बनाने की कोशिश की। तो वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव परिवर्तन रथ यात्रा लेकर आजमगढ़ पहुंचे। आजमगढ़ दौरे के दौरान पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। शिवपाल यादव दो दिवसीय दौरे पर आजमगढ़ आए हैं। आजमगढ़ जिले से सामाजिक परिवर्तन यात्रा 14 नवंबर को सुबह रेलवे स्टेशन से निकलकर भवानाथ मंदिर होते हुए कंदरापुर कप्तानगंज होते हुए अतरौलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। 12 अक्टूबर से मथुरा से निकली यह यात्रा अब तक 65 जिलों का दौरा कर चुकी है। भाजपा पर निशाना साधते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि चुनाव आ गया है और भाजपा के लोग जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। भाजपा जाति धर्म की राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति हो रही है। 13 नवंबर को आजमगढ़ जिले में विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने आए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान की जिले के नाम बदलकर आर्यमगढ़ करने के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि ऐसा करने पर जनता यह सरकार ही बदल देगी। जिले के पहचान के संकट के सवाल पर कहा कि यह जिला कैसी आजमी जैसे शख्सियत देने का काम किया है, पर भाजपा के लोग यहां पर लोगों को कीड़े मकोड़े समझकर यहां के लोगों का अपमान कर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जुड़े सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि अखिलेश यादव ने अपमान भले किया पर प्रदेश में विकास का काम बहुत किया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण में 60% जमीन सभा के कार्यकाल में ही अधिग्रहित की गई थी, इस सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया। शिवपाल यादव ने सपा से गठबंधन के सवाल पर कहा कि उचित मान सम्मान व सीटें मिली तो सपा से समझौता होगा और विलय भी हो सकता है। 22 नवंबर को सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है और इस दिन सैफई में दंगल का आयोजन होगा। ऐसे में मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के दिन दोनों दलों में समझौता हो सकता है। देखिए, मुझे तो लग रहा है जब ये ऐसा काम करेंगे तो फिर जनता इन्हीं को बदल देगी।
फिर ये सत्ता में नहीं रह पाएंगे अगर ऐसा काम करेंगे। देखिए आजमगढ़ साहित्यकारों की भी धरती है, बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं, कैफे आदमी से लेकर के कितने बड़े लोग हुए, शायर भी हुए, सब हैं, आज भी शायर बहुत आजमगढ़ में हैं। और देखिए जहाँ तक हुनरबंद भी बहुत हैं जिनकी तरफ ये हमेशा, अगर मुसलमान कितना हुनरबंद है, छोटी छोटी चीज़ से लेकर के हवाई जहाज तक और भी चीज़ें हैं, APJ कलाम कितने बड़े वैज्ञानिक थे, आज़ादी की लड़ाई कितने लोग, अशफाकतुल्ला खान से लेकर के वीर अब्दुल हमीद से लेकर के, तो ये देखिए ये बहुत छोटे मन के लोग मुझे तो लग रहे हैं, और कीड़े मकोड़े बता रहे आजमगढ़ के लोगों कितने हुनरमंद लोग हैं। तो ये तो बस फूट डालो राजनीति, सत्ता में रहो और फिर देश को पूंजीपतियों के हवाले कर दो, केवल 4-5 पूंजीपतियों के हवाले। सामाजिक परिवर्तन यात्रा मैंने 12 अक्टूबर को मथुरा से कृष्ण जन्मभूमि से शुरू की थी, और लगभग हम 65 जिले अभी तक घूम चुके हैं, और 5 चरण हमारे आज पूरे हो जाएंगे। तो ये सामाजिक परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य है कि देश और प्रदेश के हालत बहुत ख़राब हो चुकी है अभी तक, और ये इसलिए हुई है सरकार की गलत नीतियों की वजह से और गलत फैसले लेने की वजह से देश के लोग बहुत परेशानी में आ गए हैं, यहाँ तक कि भुखमरी भी फैल गई है, और महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। 2022 के इलेक्शन के सामने अभी बोल लेना, अब बोल लेना, हमारी बात हो जाने दो, फिर उसके बाद कर लेना कुछ। तो देखिए, और फिर इन्होंने जो भी वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रधानमंत्री जी ने और सभी नेताओं, अभी तक इनका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है, केवल इनका चल रहा है धर्म और जात के आधार पर देश मजबूत नहीं होगा, कमजोर होगा। और यहाँ तक कि जबकि हमारा सेकुलर देश है और यहाँ की जनता मिलजुल करके रहना चाहती है, लेकिन ये लोग धर्म और जात के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं, तो इससे तो देश बहुत कमज़ोर होगा। और मुद्दे हैं इस समय, सबसे ज़्यादा मुद्दे हैं जनता में, देखिए किसानों की समस्या खड़ी हुई है, किसान की बात होना चाहिए, किसान कैसे, अब किसानों की तो हालत ऐसा, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और किसानों को देखिए जो समर्थन मूल्य देना चाहिए था अभी तक नहीं दे पाई, तो किसान भी देखिए 10 महीने से ज़्यादा हो गए हैं जो कृषि कानून लाए हैं, तो इसकी वजह से किसानों के साथ भी जो कि हमारे देश का अन्नदाता कहा जाता है, कृषि प्रधान देश है, तो अभी तक उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे पाया है, यहाँ तक कि उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। और देखिए भ्रष्टाचार के बारे में भी उन्होंने कहा था कि हम ख़त्म करेंगे, भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ा है, लोगों को मच्छर बता रहे हैं, तुलना कर रहे हैं मच्छर और कीड़े मकोड़ों, उन्होंने ये भी कहा क्या कीड़े मकोड़े हैं के लोग हैं, कितने यहाँ साहित्यकार से लेकर के कितने हुनरमंद लोग हैं, ख़त्म करो आतंकवाद को, ख़त्म करो अपराधियों को, कौन रोक रहा है। इसी जुड़ा एक सवाल है, कल राज विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ और जोर शोर से विद्यालय के नाम हाँ। देखिए मैं इंटर सुहेलदेव का राजभर चुनाव का वर्ष है, केवल चुनाव का वर्ष है,
तो ये जो पिछड़े वर्ग के हैं सोहेलदेव के वंशज राजभर, तो उनका वोट लेने के लिए विकास नहीं करेंगे, उनकी गरीबी नहीं देखेंगे, उनको रोजगार नहीं देंगे। देने की ज़रूरत है रोजगार, गरीबी कैसे दूर हो, उनके जो मेहनत करते हैं उनका ठीक से उन्हें वेतन मिले, उनकी गरीबी दूर हो, उनके बच्चों को नौकरी दो, उनके जो बीमारी से संबंधित है इलाज का प्रबंध करो, तो ये काम करते तब तो हम मान लेते हैं। अच्छा ये तो नाम बदला बदल लगे हैं, काम करेंगे नहीं, अच्छा नया कोई भी काम कर दो उसका नाम रख लो, नाम बदलने से कौन सा काम विकास का काम हो जाएगा, किसकी गरीबी दूर हो जाएगी, रोजगार दे दीजिएगा। चुनाव आता है तो समाजवादियों को जीना याद आता है, ऐसे में उन्होंने टिप्पणी की। देखिए हम पुराने इतिहास पे नहीं जाना चाहते, जाना भी नहीं चाहिए, अब नया इतिहास, तो नया इतिहास बनाना चाहते हैं, गरीबी को दूर करना चाहते हैं, लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, रोजगार दीजिए, भ्रष्टाचार खत्म करिए, बिजली दीजिए, सस्ती बिजली दीजिए। मैंने तो इसलिए किए, तो हमने जो कहा है कि समान विचारधारा की पार्टियों को, एक सेकुलर पार्टियों को, मैंने समाजवादी पार्टी को भी प्राथमिकता दी है, तो ये गठबंधन बना करके जब हम लोग बातचीत कर लेंगे ये तो तब फैसला होगा, अभी तो समय है, 4 महीने 5 महीने का समय है, और ये तो आप देख रहे होंगे जब चुनाव नज़दीक आता है तभी तय होता है टिकट का, पहले से नहीं होता। हमारा प्रयास तो है, प्रयास पूरा है हमारा, हमारी कोई शर्त नहीं, हमारी केवल एक शर्त है, हमारे जितने भी जीतने वाले लोग हैं, जीतने वाले हों उनको टिकट दें, उनका सम्मान, बस एक ही शर्त। लड़ेंगे वो तो तय हो जाएगा और आपको थोड़े बता देंगे, अभी जब गठबंधन होगा तब बातचीत से तय होगा और तब आपको पता चल जाएगा, जब हो जाएगा तब सीटों का, तब अभी से तो हमारा रणनीति का हिस्सा होता है ये, अगर मैं आज ही बता देंगे तो आप लोग दूसरे दल वाले क्या करेंगे। आजमगढ़ शहर के रैदोपुर में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के सदस्यता अभियान शुभारंभ समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए पूर्व शासकीय अधिवक्ता मधुसूदन त्रिपाठी ने कहा कि ब्राह्मण भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और ब्राह्मण मानवता का नाम है। उन्होंने कहा कि आज ब्राह्मण समाज को जगाने की जरूरत है, एकजुटता के बल पर हम देश प्रदेश की राजनीति में और यहाँ की सत्ता पर काबिज होंगे तभी हमारा विकास होगा। विशिष्ट अतिथि चंद्रभान पांडे ने कहा कि ब्राह्मण पहले से मजबूत रहा है, उन्होंने कहा कि अपने कर्म से हमें अपने आप को ऊंचा उठाना होगा तभी हमारा विकास होगा। विशिष्ट अतिथि श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज चंडेश्वर की पूर्व प्रवक्ता डॉक्टर मालती मिश्र ने कहा कि समाज से पहले हमें परिवार के बारे में सोचना होगा, उन्होंने कहा कि हमें यह चिंतन करना होगा कि हम पहले कहाँ थे और आज कहाँ पर हैं। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि हमें अपने बच्चों को संस्कार देना होगा, इसके लिए हमें खुद को बदलना होगा, सुबह सोकर उठना होगा और सूर्य को जल देना होगा, तब हमारे बच्चे हमसे खुद सीख जाएंगे और अपनी परंपराओं को जीने लगेंगे। अपने से निर्धन ब्राह्मण की मदद करनी होगी, यदि उसके बच्चे शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं तो उन्हें शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी और ब्राह्मण समाज की बेटियों की शादी करानी होगी। संगठित होकर हम राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे तो हमें चाणक्य बन सकते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य पैदा कर सकते हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिला प्रभारी अभिषेक उपाध्याय ने संगठन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारा समाज अगर पीछे है तो उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। उनका कि अभी तक सभी दलों ने केवल हमारा उपयोग ही किया है, यदि हम संगठित हो जाएं और हमारा मुकाबला करने वाला कोई नहीं होगा। संचालन कर रहे संगठन के जिला अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि प्रदेश के सभी शहरों में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी की अगुवाई में आज से 14 दिवसीय सदस्यता अभियान की शुरुआत की जा रही है। उनका सदस्यता अभियान की यह रसीद नहीं बल्कि अपने समाज को एक सूत्र में बांधने वाली डोर है। श्री द्विवेदी ने कहा कि अपने समाज के विकास की पटकथा लिखनी होगी, इसके लिए हम लोगों को एक होने की जरूरत है। श्री द्विवेदी ने कहा कि ब्राह्मण समाज का
कर्म हमेशा शिक्षा देने का रहा है। ऐसे में यदि हम किसी अन्य व्यवसाय में हैं तो अपने समाज के गरीब बच्चों को शिक्षा देने में सहयोग करें और उनकी जरूरतों को पूरा करें। इसके साथ ही परिवार के बच्चों को संस्कार व धर्म का ज्ञान भी देना होगा। कार्यक्रम की शुरुआत ईश्वर वंदना व स्वागत गीत से हुई। हरियरपुर घराने के कलाकार मोहन मिश्र व शीतला मिश्र ने संयुक्त प्रस्तुतियां दी। तत्पश्चात मुख्य अतिथि मधुसूदन त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि चंद्रभान पांडे, डॉक्टर मालती मिश्र, पंकज दुबे व शीतला मोहन मिश्र को अंगवस्त्रम भेंट किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से मनीष पांडे, अशोक पांडे, विवेक पांडे, आर्यकांत मिश्र, सुनील उपाध्याय, बबलू पाठक, श्रीधर पाठक आदि मौजूद रहे। की अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा पर केंद्रित होकर के समाज के हित के लिए एक कदम, एक पहल आगे बढ़ा रही है, जिसका ये पहला कदम था कि सदस्यता अभियान के माध्यम से अपने समाज के लोगों को जोड़ना और सामाजिक, पारंपरिक, व्यक्तिक और राजनैतिक सभी बिंदुओं पर हम अपने समाज से बात करेंगे। सभी को जोड़ने के संकल्प के साथ आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। ये 14 दिनों तक चलने वाला सदस्यता अभियान है और प्रत्येक जो ब्राह्मण महासभा से जुड़े पदाधिकारी हैं, साथ ही साथ जो भी हमारे बंधु बांधव हैं, उन सबसे अपेक्षा की गई है कि इस सदस्यता अभियान को 14 दिन के अंदर अपेक्षित गति देते हुए इसको हम आगे बढ़ाएंगे और ऐसे परिवारों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे जिनको सामाजिक सहयोग की आवश्यकता है। और साथ ही साथ ब्राह्मण महासभा की ये पहल है कि आने वाले वक्त में हम अपने समाज के हित के लिए काम करते रहेंगे और ये सदस्यता अभियान मील के पत्थर के तौर पर आज 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मतिथि पर, उनकी जयंती पर ये एक पहल है जिसका सभी ब्राह्मण बंधुओं ने स्वागत भी किया है और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को गति देने के लिए सभी ने कृत संकल्प के साथ अपने संकल्प को दोहराया है। आज इस सदस्यता अभियान के तहत जो है आज कितने लोगों को सदस्यता दिलाई गई? लगभग आज 51 व्यक्तियों ने जो हमारे समाज के थे, सभी लोगों ने 10-10 रसीदें प्राप्त करके आगे आने वाले दिनों में 14 दिनों में 1000 परिवारों को जोड़ने का ये संकल्प हमारा आज से प्रारंभ हुआ है। आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का नाम महाराजा सुहेलदेव के नाम पर रखने पर राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। पार्टी के प्रवक्ता एडवोकेट तलहा रशादी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शनिवार को आजमगढ़ में शिलान्यास किए गए राज्य विश्वविद्यालय का नाम अलामा शिवली नोमानी पर न रखकर भाजपा सरकार ने सबका साथ सबका विकास के अपने नारे का सच सामने ला दिया है। ब्रिटिश राज में जब राष्ट्रवाद का नाम लेना गुनाह था तो 1883 में आजमगढ़ में नेशनल स्कूल स्थापित कर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शिक्षाविद अलामा शिवली नोमानी राष्ट्रवाद और देश प्रेम की अलख जगाई थी। हम सरकार से मांग करते हैं कि वो अपने फैसले को बदले और राज विश्वविद्यालय का नाम इस माटी के लाल शिवली नोमानी के नाम पर रखें। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक राज विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया, यह आजमगढ़ के लिए बिल्कुल एक सौगात है, हम इसका स्वागत करते हैं। पर अफसोस इस मौके पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुष्टिकरण की राजनीति से परे नहीं रह पाई। पिछले बड़े समय से लगातार ये मांग हो रही थी कि इस विश्वविद्यालय का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी और विश्वविख्यात शिक्षाविद अल्लामा शिबली नुमानी के नाम से रखा जाए और लगातार हम लोग भी इसकी मांग करते आ रहे थे, क्योंकि अल्लामा शिबली नुमानी ने 1883 में एक स्कूल की स्थापना की और उसका नाम नेशनल स्कूल दिया, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय स्कूल का नाम रखा कि जब जिस समय राष्ट्रवाद और नेशनलिज्म की बात करना अंग्रेजों के दौर में एक पाप था, अल्लामा शिबली नुमानी ने इस देश की स्वतंत्रता में अपनी कुर्बानी दी। शिबली कॉलेज स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलनकारियों का एक बड़ा ठिकाना हुआ करता था। यह एक मौका था सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात करने वाली सरकार के पास कि वो अपने इस नारे को सच साबित करती। पर अफसोस तुष्टिकरण की राजनीति से ग्रसित भारतीय जनता पार्टी ने इस मौके पर भी अल्लामा शिबली नुमानी को दरकिनार कर दिया। क्या इस पूरे जिले में कोई ऐसा नहीं था जिसके नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा जाता? हम इस बात
की निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि अपने इस फैसले को पलटे और इस राज्य विश्वविद्यालय का नाम महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अल्लामा शिबली नुमानी के नाम पर रखा जाए, क्योंकि 3-4 दिन बाद 18 नवंबर को उनकी पुण्यतिथि भी है और इससे एक बड़ा संदेश जाएगा पूरे विश्व में भी कि अल्लामा शिबली नुमानी जिन्होंने दारुल मुसन्निफीन और शिबली एकेडमी जो कि विश्व प्रख्यात है उनके सम्मान में उनके जिले में एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। दुनिया का नामचीन मोती महल रेस्टोरेंट अब आपके शहर आजमगढ़ में USA, लंदन, बहरेन, UAE सहित देश विदेश में 100 आउटलेट, वेज, नॉन वेज, इंडियन, चाइनीज और थाईलैंड के लजीज व्यंजन के साथ ही मोती महल की मशहूर तंदूरी चिकन उपलब्ध। वैलेट पार्किंग की विशेष व्यवस्था। आपको वेज है पसंद या आप नॉन वेज के शौकीन हैं, दोनों जरूरतों को पूरा करेगा मोती महल रेस्टोरेंट, सेंट्रल बैंक के नीचे चौक रोड, पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़। जनपद के 80 वर्ष पुराने रघुनंदन प्रसाद रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स आसिफगंज पुरानी कोतवाली आजमगढ़ की नई ब्रांच रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल सिधारी आजमगढ़। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं हीरे की पूर्णतः हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी पर उपलब्ध। आसान किश्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी उचित मूल्य पर प्राप्त करें। ज्वेलरी की शुद्धता मापने के लिए फ्री कैरोमीटर की व्यवस्था। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों की हो खरीदारी, आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरेगा रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल सिधारी आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़ अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।